Hello and welcome back to a very very surprise vlog. Why? Because मैंने ये अभी shoot करके रखा हुआ है but I know that I will not be uploading this. मैंने कहा कि यार shoot तो करूँ actual progress और actual जो सारी situation है उसको shoot तो करूँ ताकि when the time comes I can actually upload it. तो अभी situations ये हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्दा से order करवाई हैं because she is coming from Germany over here for my wedding. तो मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करवा ली थी कि यू नो मेरे लिए ये लेके आ जाओ वो लेके आ जाओ. देन ऑन दी अदर हैंड ताई इज़ हेल्पिंग मी अलॉट विद माय दावतों के कपड़े एंड ऑल ऑफ दोज कपड़े. यू नो वो शादी के बाद जो बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे भी पड़े हुए थे जो कि मैंने कभी हाथ नहीं लगाए थे एंड देवर जस्ट इन माई कबर्ड बट देवर सो ब्यूटिफुल. सो ऑब्वियसली कपड़े तो कपड़े होते हैं, यू आर नेवर गोइंग टू वेस्ट दैम, आई एम नेवर गोइंग टू वेस्ट दैम. तो वो भी मेरे पैक हो चुके हैं. मेरा एक सूटकेस बंद होके तो ऑलरेडी फाहद के घर जा चुका हुआ है और वो मैं टांग की भी आ चुकी हुई हूँ कपड़े. इमेजिन या दैट्स ऑल्सो हैपेंड. हाउएवर अब बहुत उस तरह की चीज़ें रह गई हैं कि मतलब आज या कल में किसी भी दिन कार्ड्स आ जाएंगे या कार्ड्स आ जाएंगे आज या कल के अंदर अंदर ही. एंड देन बाबा जाएंगे लाहौर हमारे लाहौर के रिलेटिव्स को कार्ड्स देने. अपने दोस्तों को मैं खुद ही भिजवाऊँगी बिकॉज I want to do that myself. उसके अलावा ब्राइडल ड्रेसेस के ये सिचुएशंस हैं फ़िलहाल कि एक जो ड्रेस है वो शायद इस हफ्ते में पहुंच जाए, जो निकाह का जोड़ा है वो शायद इस हफ्ते में पहुंच जाए और इसी हफ्ते में शायद जो ढोलकी का जोड़ा है वो भी पहुंच जाए. ठीक है, जो शादी का मेन जोड़ा है ना दैट माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ वाइल टू कम बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा काम है एंड वो थोड़ा लेट शुरू हुआ था. सो उसकी वजह से हो सकता है कि वो लिटरली एक हफ्ता पहले ख़त्म हो विच इज़ लाइक सो अलार्मिंग फॉर मी. लेकिन मुझे शिजा बार बार कहती है कि डोंट वरी हो जाएगा, डोंट वरी. तो फिर मैं परेशानी ले नहीं रही. ठीक है, ज्वेलरी की ये सिचुएशन है कि एक का आई हैव इन माइंड कि मुझे क्या करना है और मैंने क्या पहनना है. दूसरे का यानी शादी के ड्रेस की ज्वेलरी का आई डोंट हैव सो मच इन माइंड कि मैंने क्या करना है क्या पहनना है. ढोलकी के लिए चूड़ियाँ वगैरह इन सब चीज़ों के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार ड्रेस आ जाए फिर मैं चूड़ियाँ उसके हिसाब से मैच करूँगी बिकॉज येस आई वॉन्ट टू वेयर चूड़ियाँ. एंड ऑन फहद साइड उसके रूम की प्रेप्स हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड बिकॉज यू नो हाउ मच आई लव कि कोई जगह ट्रांसफॉर्म हो रही हो और वो एक फुल मज़े की बन रही हो एंड स्टफ. तो फिलहाल वो सिचुएशंस हो रही हैं उसके घर में एंड वे बोथ गोइंग नट्स टुगेदर इन दैट वे. वे बोथ गोइंग नट्स वे जस्ट लाइक ओ माई गॉड ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है क्योंकि हमें बहुत लेट एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार हमारी अपनी शादी हो रही है, किसी कज़न या रिलेटिव की नहीं हो रही. सो वी हैव टू प्रटेंड लाइक इट्स आर ओन वेडिंग सो वी हैव टू डू आर थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो देर इज़ दैट. फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी फाइनली काम हो गया. ठीक है, कल जाकर मेरी प्रॉपर मीटिंग हुई है, सब हुआ है. सो everything is going according to plan. लेकिन मुझे literally कुछ दिन मतलब कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मुझे हिट होता है oh my god मेरी शादी होने वाली है अंदर. I'm just like okay और फिर मैं वापस जाके सो जाती हूँ because I'm like plus. So the catering company just sent me tasters for food ताकि मैं उनका खाना चख के अपने हिसाब से बता दूँ. And all the food is here right now. Let me just see क्या क्या है इसके अंदर. So all the food is right over here and we have the head food tasting person Baba right here. वो हमें सारा खाना. बाबा बताएं आप क्या बता रहे थे खाने के बारे में. आप ऐसे ही सुना रहे थे हमको खाने. This is excellent. डब्बे से देख के he's telling us that. क्यों FNB का आदमी food and beverages का. Yeah. कबाब less spice very good. Yeah. पुलाव भी less spicy है. Oh my god this is so nice. It's beautiful. By the way हमारी मटन पुलाव होगा. ठीक है. अच्छा this is spicy. This is spicy. For sure. Oh yeah. ये भी बकरे का है. हाँ बहुत मजे का. वो ये बकरे के बनवाए हैं. Yep. This is. मटन में बनवाए हैं. Yeah. So expensive. Yep. And this is. This the... is chicken जबरदस्त होगी मसाले वाली. है ना. लेग पीस मेरा और अम्मी सबसे पहले माशाल्लाह मीठा खा रही जो कि बेस्ट होगा. जो कि हमने खुद ही सबसे ये हमारा खुद का है. सबसे मीठी औरत खा रही है माशाल्लाह. सो अब हम फूड टेस्टिंग खुद ब खुद करने लगे अपनी आपस में भी. फूड टेस्टिंग हो रही है. डू यू अप्रूव ऑफ द फूड. डू यू अप्रूव ऑफ द फूड. आई गिव यू द बेस्ट थिंग. बाबा आप बताएं डू यू अप्रूव ऑफ द फूड. हाय हाउ आर यू. बाबा खाना अप्रूव करते हैं आप या नहीं. ओके दैट मींस यस. थैंक्स टू द शेफ. थैंक्स. शादी में नहीं खाऊंगा ना. उस दिन काम होगा. क्यों? अभी तो खा रहा हूँ. सब दिन खाना है. कैमल बन जाओ. शादी
नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, अपनी दवाई थोड़ी है। पॉइंट अम्मी, आपने क्या पॉइंट मारा, उन्होंने तुम्हारी थोड़ी है। ऑफ नाउ मी एंड अलिफ आर बिजी पैकिंग ऑल द टॉवल्स, द कंफर्टर। यहाँ पे एक पूरा सूटकेस तैयार है विद ऑल द अदर होम थिंग्स लाइक यू नो बेड शीट्स एंड पिलो कवर्स एंड पता नहीं क्या क्या, ऑल ऑफ दैट इज़ इन हियर। लेट मी गिव यू गाइस अनदर टूर। फाइनली मैंने अपना कमरा थोड़ा सा साफ किया था, नॉट वेरी मच, जितना कर सकती थी उतना ही, बट दिस बैग इज़ नाउ फुल विद ऑल माई शूज़ एंड ऑल माई स्मार्ट फॉर्मल क्लोथ्स, क्योंकि फॉर्मल क्लोथ्स का एक ट्रंक में ऑलरेडी पहुँचा आई थी। So this has that. These are some new arrivals that I just got. Night suits are packed in this. Some shoes right here. ये सारे खैर खाली डब्बे हैं, इनके सारे जूते जो हैं they have already been stuffed in this. These are some unstitched ones. And that thela right there has my bridal shoes. So they are there. And oh my god, look at what just arrived. These are my shadi cards. And oh my god, like oh god, okay, oh god. Like abhi tak I've been really calm, really chill. But now it's, I think it might just hit me a bit that this is happening. But the cards are here. Oh my god. Oh my god, guys. They are here. Oof Allah, I cannot believe this. Are you serious? Oh my god. Okay, mama. Mama kya hai? Look at that. F and F. These are the envelopes. Cards main abhi nahi dikha rahi, theek hai? I will show them to you but later. Abhi nahi dikha rahi main. No. I just took out the envelopes. Then we have these sticker seals, as you can see, envelope in se band hoga. Oh, so surreal. And then we have these cute little cards. Oh my god. You know, I wrote this myself. And oh god, I can't believe this is real. What the hell? Okay. Okay. Guys, oh my god. The wedding cards are here, you know, like everything is now here. And it's time to pack these up and start sending them to the faraway relatives जो कि अभी कराची में नहीं है, like in Lahore, Islamabad and all of those areas. So the process has started. Dadi Jaan is sitting here writing down names of the family members जिनको cards जाने. We're packing up the cards now, genre wise. सारे यहाँ पे packing चल रही है, as you can see. You guys can see something is in process. सब कुछ यहाँ फिगर आउट हो रहा है, कार्ड्स का हो रहा है, सब कुछ अभी चल रहा है साथ साथ। और अब आता है शादी के कार्ड्स पैक करने का टाइम, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि इसी टाइम पे आपको हर किसी को याद भी रखना होता है। यू कैन नॉट फॉरगेट एनी बडी इन द प्रोसेस, एंड साथ साथ वो वाले फड्डे भी होते हैं कि मेरा नाम नहीं है कार्ड पे, मैं क्यों नहीं हूँ कार्ड पे, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। बट आई कॉन्ट वेट टू शो यू गाइज द कार्ड्स इंशाल्लाह व्हेन द टाइम इज़ राइट। हाउएवर वी आर डन सॉर्टिंग दिस आउट, ऑल द कार्ड्स आर पैक्ड एंड डन। सील वाला दिखाओ, कोई भी एक, सारे। दीज आर व्हाट दे लुक लाइक with the seal on, how pretty. And behind the scenes chal rahi hai hamari dance practices jo ki literally roz ho rahi hoti hain, but I don't want to reveal all the dances to you guys abhi se, so I'm just showing you guys the practices. Ye literally roz ho rahi hoti hain and they are so much fun. I'm so glad we get to do this. Roz kuch naya seekh rahe hote hain, roz kuch naya kar rahe hote hain, but this is the part of the ronak hai jo ki aapko pata hai ki ek shaadi ke ghar mein hoti hi hai, and I'm glad that my friends and family are all a part of this, which is why it's the most fun. एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज वट एवर टाइम आई हैव लेफ्ट, तो आज मैंने सोचा कि बैठ के अपने जितने भी वेस्टर्न कपड़े हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर लेती हूँ आयशा के साथ ही। तो जितनी भी जीन्स और पैंट्स मुझे चाहिए थी मैंने उनको अलग किया, जो मुझे नई ज़रूरत थी जिनकी उनको भी मैंने अलग किया, एंड विच एवर वंस आई नीडेड टू कीप, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो आई एम जस्ट कीपिंग अ फ्यू एट होम एज वेल। नाउ इट्स द टाइम फॉर द रिवील, विच मीन्स के जो भी मेरे वेस्टर्न कपड़े थे वो पैक हो चुके हुए, सिर्फ जो मेरी अभी के ज़रूरत के कुछ कपड़े हैं, ओनली कैप दोज लाइक टू थ्री जीन्स, अ फ्यू टॉप्स दैट आई कैन कीप वेयरिंग टू वर्क, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी।
ऑल हैज़ बिन पैक्ड इन दीज राइट हियर. ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैक हो चुकी हुई हैं, थैंक गॉड फॉर दैट, इवन इन दिस वन. सो दिस बिट इज सॉर्टेड. आई होप दैट यू गाइस हैड फन, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. बाय.